नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। तेल की कीमतों में इजाफा थमने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, बल्कि दाम में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस देशों के बीच प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोई रजामंदी नहीं बन पाई है। सऊदी अरब और यूएई में आउटपुट डील को लेकर ठन गई है। सऊदी अरब ने तेल उत्पादन न बढ़ाने की मौजूदा डील को साल 2022 तक विस्तार देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यूएई ने इस समय सहमति नहीं दी। संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों के लिए प्रोडक्शन में कटौती के फैसले का विरोध किया। यूएई ने इस डील को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाने के लिए अड़ा हुआ है। यूएई का कहना है कि वह अपना तेल उत्पादन बढ़ाए बिना डील को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। उसने तेल उत्पादन बढ़ाए बिना डील को 2022 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को अपने साथ नाइंसाफी करार दिया है। दोनों देशों में इस मुद्दे पर मतभेद इतना बढ़ गया कि बिना किसी नतीजे के बैठक खत्म हो गई और आगे मीटिंग कब होगी यह भी तय नहीं हो पाया। यूएई ने तेल उत्पादन में चरणबद्ध वृद्धि के साथ मौजूदा सौदे को 2022 तक बढ़ाने के सऊदी के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। तेल की मांगों में कमी की वजह से कच्चे तेल के दामों में कमी दर्ज की गई थी, इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए उत्पादन को कम करने का फैसला किया गया था। सऊदी अरब को लगता है कि वैश्विक आर्थिक सुधार अभी भी कठिन दौर गुजर रहा है। वो चाहता है कि बाजार को संतुलन में रखने के लिए डील को 2022 अप्रैल तक बढ़ाया जाए। सऊदी अरब ओपेक के सिर्फ एक सदस्य देश के लिए उत्पादन बेसलाइन में संशोधन का भी विरोध कर रहा है। सऊदी का मानना है कि अगर देश के लिए यह रियासत दी गई है तो अन्य देश भी इसकी मांग करने लगेंगे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।